अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं टोयोटा फैसलाबाद मोटर पर मौजूद हूँ और जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है हाइलक्स रिवो। थोड़ा ओवरव्यू दूँ तो ये गाड़ी जो है ये पाकिस्तान में इस वक्त इसकी 8th जनरेशन है और ये 2017 में लॉन्च हुई थी। और हाइलक्स वर्ल्ड वाइड भी एक बड़ा टोयोटा का फेमस ब्रांड है। और जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ये टॉप ऑफ द लाइन वी वेरियंट है। बात करेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में, कैसी है गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्पेशल थैंक्स टू टोयोटा लायलपुर मोटर्स। और अगर आप टोयोटा की कोई गाड़ी जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनकी डीलरशिप पे विजिट कर सकते हैं। इनका शोरूम जो है वो सरगोधा रोड पे है। अगर एक्सटीरियर की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है ये फ्रंट से काफ़ी बोल्ड और एंग्री लुकिंग जो है, एक टोयोटा ने इसका जो स्टाइल बनाया है जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और अपनी रोड प्रेजेंस जो है ये बताता है। अगर बैक साइड से देखूं तो स्टाइलिंग में जाहरी बात है ये पिकअप ट्रक्स हैं तो इसमें जो बैक साइड होती है उसमें स्टाइलिंग का ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, फिर भी जो इसकी टेल लाइट्स हैं वो काफ़ी दिखने में अच्छी लगती हैं। बीइंग टॉप ऑफ द लाइन, इस गाड़ी में जो चीज़ें बाकी वेरियंट से डिफरेंट होती हैं उसमें सबसे पहले तो इसकी ये जो बाइजेनॉन हेडलैम्प्स हैं DRL आती हैं। इसके अलावा इसमें LED फॉग लैम्प्स आते हैं। गाड़ी में पुश स्टार्ट आता है। गाड़ी में जो ड्राइवर सीट है वो पावर कंट्रोल है। गाड़ी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। स्मार्ट एंट्री सिस्टम आता है इस गाड़ी में। स्मार्ट की का ये फायदा है कि जब आप गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो गाड़ी की चाबी को खुद ही गाड़ी सेंस करके उसका दरवाजा जो है उसको ऑटोमेटिकली अनलॉक कर देती है। ये देखें, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट होने की वजह से इस गाड़ी में लेदर सीट जो है वो आती हैं। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी मॉडर्न फील होता है। इसके अलावा इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो डार्क कलर में आता है, लेकिन इसमें एक ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसलिए इसमें यहाँ पे एक क्रोम लाइन का इफेक्ट है, उसके ऊपर एक सिल्वर ट्रिम का इफेक्ट है। गाड़ी के जो दरवाजे हैं उसमें यहाँ पे लेदर लगा हुआ है, बाकी जो है पोर्शन वो प्लास्टिक का है। गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिलेगी। इस गाड़ी में 7 इंच की स्क्रीन आती है जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं आता। इसके अलावा इस गाड़ी में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है और ये आपका 4x4 का मोड है। और इसके अलावा डिफ लॉक है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और ये 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है आपको। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, कोई और चीज़ यहाँ पे आराम से आ सकती है। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह मिलेगी स्टोरेज के लिए। इसके अलावा गाड़ी का जो आर्म रेस्ट है वहाँ में भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक पावर आउटलेट मिल जाता है। और चीज़ें इस गाड़ी में बड़ी अच्छी है, आप यहाँ पर अपने ग्लासेस रख सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। अगर गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूं तो 2 कप होल्डर आपको यहां पे मिलेंगे और ये डीप साइज़ के हैं। इसमें जो है आप आराम से अपना जो एक 500 ml बॉटल है वो बड़े आराम से इसमें आ सकती है। इसके अलावा इस गाड़ी के दरवाज़ों में भी जो है वो लार्ज बॉटल जो है वो बड़े आराम से आ सकती है 500 ml की। गाड़ी के पिछले दरवाजों में भी आपको डिसेंट स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे भी एक 500 ml बोतल जो है बड़े आराम से आ सकती है। इसके अलावा कोई पेपर वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। इस गाड़ी में सेंटर आर्मरेस्ट भी आती है, आपको दिखाता हूँ ये रही, और इसमें भी 2 कप होल्डर आ जाते हैं। इसके अलावा गाड़ी का जो बेड है वो भी काफ़ी बड़ा है, इसको अगर आप खोलें तो आप यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सामान जो है कैरी कर सकते हैं। ये गाड़ी जो है ये 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। अगर गाड़ी में रेड सीट्स की बात करूँ तो ये जो इस वक्त सीट है ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन पे है और मेरे लिए जो नी रूम है वो ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाती है, यहाँ पे आप कोई सामान वगैरह अपना जो है वो कोई अगर आपके पास इनवेलप है तो उसको यहाँ पे अटका सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी 2 AC के वेंट मिल जाते हैं। एक चीज़ जो और पिकअप ट्रक्स के बारे में मशहूर है वो ये होती है कि गाड़ी की जो पिछली सीट्स होती हैं वो ज़्यादा आरामदेह नहीं होती, लेकिन हाइलक्स में जो टोयोटा ने जो 2017 में ये जब मॉडल लॉन्च हुआ था तो उस वक्त इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था और इसका सीटिंग पोस्चर बहुत बेहतर है इसके प्रीवियस मॉडल से। अगर पिछली सीट की बात करूँ तो जो हेडरूम है वो भी डिसेंट साइज़ का है। अगर मैं सर पीछे भी रखूँ तो आर्मरेस्ट के साथ भी मेरा सर जो है वो नहीं लगता। और इसके अलावा जो गाड़ी का कैबिन है वो भी खुला है। इसमें जो 2 बंदे हैं तो वो तो बड़े आराम से आ सकते हैं लंबे सफ़र में, 3 बंदों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सेफ्टी की बात करो तो गाड़ी में 3 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टेयरिंग में आता है, दूसरा नीज में आता है
और तीसरा जो है वो पैसेंजर साइड पे आता है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS ब्रेक्स हैं। अगर गाड़ी के इंजन की बात करो तो ये जो वेरिएंट मेरे पीछे खड़ा है ये 2800 cc डीजल इंजन के साथ आता है। इससे पहले जो वेरिएंट जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त इसमें 3000 cc इंजन आता था, लेकिन 2800 cc के साथ इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि ये नया इंजन था और ये इंजन जो था ये परफॉर्मेंस वाइज उस इंजन से बेहतर था। और बीइंग टोयोटा इसकी इंजन की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। एज एन ऑफ रोडर ऑन रोडर आप जैसे भी इस गाड़ी को ड्राइव करें इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और पर्सनली मुझे ये गाड़ी बड़ी पसंद है। अगर मैं भी एक गाड़ी ख़रीदना चाहूँ तो मैं डेफ़िनेटली इस गाड़ी को कंसिडर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं toyta_03 दी कार लवर, और फेसबुक पर भी आप मेरा पेज लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।